हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक पुडिंग की रेसिपी बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसका फ्लेवर है मारी बिस्किट। जी हाँ, मारी बिस्किट से फ्लेवर करेंगे हम, जो कि बहुत आसानी से मिलता है। और चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर 3 कप दूध, और इसके बाद मैं इंडक्शन कुकटॉप को ऑन कर दूंगी, मीडियम हीट पे रखूंगी इसे। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम, फ्रेश क्रीम मैंने यूज़ किया है, अमूल फ्रेश क्रीम। चलाते रहना है बीच बीच में ताकि नीचे से लगे ना ये मिक्सचर। दूध और क्रीम के मिक्सचर को हमें बॉयल करना है, इसे खौलाना है, तब तक हम इसे हीट करेंगे। इसके बाद मैंने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून के करीब, और उसमें मैं 4 से 5 टेबलस्पून दूध मिलाऊंगी, जो कि गर्म दूध नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसकी स्लरी बना के मैं साइड पे रख दूंगी। यहाँ पे मैंने वैनिला कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाएं और उसमें थोड़ा वैनिला एसेंस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा दूध जो है वो गर्म हो चुका है और खौलने वाला है ऑलमोस्ट। एक बार दूध खोल जाए इसके बाद इसे कम आंच पे रखें, और उसके बाद 10 से 12 मारी बिस्किट ऐड कर दें। मारी बिस्किट सिर्फ फ्लेवर ही नहीं देगा बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज कर देगा। बिस्किट्स को दूध में अच्छे से सोक होने दें और ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे, तब तक आप इसे ऐसे ही रहने दें। अब देख सकते हैं कि बिस्किट्स पूरी तरह से नरम हो गए। अब मैं एक विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे चला रही हूँ, एंड दैट्स इट। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा इसमें हमें सॉस पैन को हटा लेना है हीट पर से। यहाँ पे मैंने एक ग्लास बोल लिया है और उस पर मैं एक स्ट्रेनर लगा रही हूँ, और जो हमारा मिक्सचर है मारी बिस्किट और दूध और क्रीम वाला, उसको हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। मिक्सचर को छाने अच्छे से ताकि स्मूथ लंप फ्री हमारा जो पुडिंग है वो रहे, और ऊपर का जो बचा हुआ स्ट्रेनर में मिक्सचर है उसे हमें नहीं यूज़ करना है। ग्लास बोल में जो मिक्सचर था उसे हमने सॉस पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसे हमें फिर से पकाना है और इसे चलाते रहें। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चीनी। चीनी को अच्छी तरह घुल जाने दीजिए, एकदम लो हीट पे रखिए अभी मिक्सचर को। और उसके बाद हम मिक्सचर में थोड़ा सा दूध मिलाएंगे। मारी बिस्किट्स की वजह से इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है और फ्लेवर भी आया है इसमें मारी बिस्किट्स का। अब हम इसमें 1/2 कप दूध और मिलाएंगे। करीब टोटल हमने यहाँ पे 3.5 कप दूध यूज़ कर लिया है इस रेसिपी में, और फिर हम इसे अच्छे से चलाएंगे। अब मिक्सचर को थिकन करने के लिए हम इसमें कस्टर्ड पाउडर वाली स्लरी डाल देंगे, जो हमने पहले से बना के रखी थी। और ध्यान रखें कि आप चलाते रहें मिक्सचर को। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क एसेंस डाला है ताकि वो दूध वाला फ्लेवर आए। अगर आपके पास मिल्क एसेंस नहीं है तो आप वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, और अच्छे से चला लें। अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर खोलने लगा है और काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है, और ये स्पैचुला को कोट कर रहा है, दैट मींस ये अब हो चुका है कंप्लीट। तो अब हमें इसे ठंडा कर लेना है और फिर सर्व कर लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ शॉट ग्लासेस लिए हैं, और वहाँ पे मैं बिस्किट्स डाल रही हूँ, मारी बिस्किट्स क्रम्बल करके बेस के लिए, ताकि पुडिंग में एक क्रंच आए।
यहाँ पे मैंने 6 ग्लासेस लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे रेगुलरली बेकिंग और डेजर्ट रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ मिक्सचर को ठंडा करके इन ग्लासेस में, और उसके बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए। फ्रिज में डालने से पहले मैंने बिस्किट क्रम्स से ऊपर से भी गार्निश कर लिया है। इसके बाद फ्रिज में रखें और उसके बाद आप इसे सर्व करें। बहुत ही क्रीमी, रिच और डिलीशियस पुडिंग बनता है, बिल्कुल मिल्की वाला फ्लेवर आता है। और हाँ, प्रेफरेबली अगर हो पाए तो आप मिल्क वाला जो मारी बिस्किट आता है बाज़ार में, वो यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।